आइए कुछ और जरूरी खबरों की तरफ भी रुख करते हैं। मुंबई की बेस्ट बसों को एक बार फिर रफ्तार मिलने वाली है। जी हां, बीएमसी के नए कमिश्नर ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे बेस्ट को सालाना 1200 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। आप देखिए रिपोर्ट। आर्थिक तंगी से जूझ रही मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट बसों को 1200 करोड़ की सालाना मदद दी जाएगी। बीएमसी के नए कमिश्नर प्रवीण परदेशी ने बेस्ट को हर महीने 100 करोड़ रुपए की मदद देने का फैसला लिया है। हमारी तो 200 की मांग थी कि चलो महीने के देते हैं तो 200 करोड़ दे दो, मगर उन्होंने 100 करोड़ देखे। बाकी के जो बीएसटी के बारे में, बाकी जो बीएसटी के सवाल है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बोला अगली मीटिंग में। मुंबई में बेस्ट की करीब 4300 बसें चलती हैं, जिनमें यात्रा करने वाले यात्रियों की तादाद करीब 29 लाख है। करोड़ों के कर्ज में डूबी बेस्ट के पास करीब 38,000 कर्मचारी हैं। हर साल इन कर्मचारियों की सैलरी और बसों के ईंधन और दूसरे जरूरी खर्च के लिए बेस्ट को बैंकों से कर्ज लेना पड़ता था। बेस्ट को घाटे से उबारने के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए की जरूरत है, जिसे लेकर बीएमसी से लगातार मांग की जा रही थी। महानगर पालिका के कमिश्नर ने ऐसा निर्णय लिया है कि हम हर महीना 100 करोड़ रुपए देंगे। हर महीना 100 करोड़ रुपया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शुरुआत तो हुई है, लेकिन बेस्ट को इसमें ज्यादा मदद होने वाली नहीं है। हर महीने 100 करोड़ और साल के 1200 करोड़, अगर इतना पैसा बीएमसी बेस्ट के खाते में डालती है तो लगातार घाटे में चल रही बेस्ट के लिए ये पैसे ऑक्सीजन का काम करेगी। इससे ना केवल घाटे में चल रही बेस्ट की हालत सुधरेगी, साथ ही जो लोग बेस्ट से यात्रा करते हैं उनके लिए भी नई सुविधाओं का जन्म होगा। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।